आप में से बहुत लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि सर आप लंच में क्या खाते हैं, सेकेंड मील में क्या खाते हैं। तो आज मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि मैं लंच में क्या खाता हूं, सेकेंड मील में क्या खाता हूं। लाइव पूरी खा के आप लोग को दिखाऊंगा, कोई फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। रॉ अनकट वीडियो होगा ये। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि आज मैं क्या खा रहा हूँ। अभी तकरीबन 2:45 बज रहे हैं, ठीक है। मैंने एक मील ऑलरेडी ले लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने एक मील ऑलरेडी ले लिया है और ये मेरा दूसरा मील है, ये आप मेरा लंच कह सकते हैं। तो आज लंच में मैंने 200 ग्राम चावल लिया है, ये देखिए ये चावल है 200 ग्राम। इसको थोड़ा सा हमने फ्राई भी कर दिया है, ठीक है। 200 ग्राम चावल है। थोड़ा सा मैंने सोया चाप लिया है, ये देखिए ये सोया चाप है, सोया चाप की कड़ी बनाया है। तो ये सोया चाप हो गया। और 3 अंडे को बॉयल करके इसको भी थोड़ा सा हमने बटर में ये कर लिया, सोटे कर लिया, ठीक है। 3 अंडे का बॉयल अंडा है और 1 प्लेट खीरा, ठीक है। तो आज मैं यही खाऊंगा। 200 ग्राम मैंने चावल लिया है, इसमें 50 ग्राम के आसपास, 50-60 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और किसी चीज़ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सोया चाप में थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं पूरे डिश में 60 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट है। ये मेरे डायफिट डाइट के अंदर जो कैलकुलेशन है उसके अंदर है। और क्योंकि आज मैंने पहला मील में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम खाया है तो आज मैं 200 ग्राम चावल खा सकता हूँ। यही डायफिट डाइट का खासियत है, फ़ायदा है कि आप चावल भी थोड़ा बहुत ज़्यादा खा सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन मालूम है कि कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गर्मा गर्म है खाना शुरू करते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, मुँह में पानी आ गया है। और ये पूरा रॉ वीडियो होगा, ठीक है। पूरा कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा, आपको सामने खा के आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फाइबर भी है। ये एक बैलेंस्ड मील है। और इसको जब आप खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। काफ़ी लोग पूछ सकते हैं सर वेजिटेरियन में क्या खाए, तो अंडे को रिप्लेस कर दीजिए। मैंने 3 अंडे लिया है, आप उसके जगह पे 75 ग्राम पनीर ले लीजिए, सोटे पनीर कर लीजिए और खाइए, बहुत ही यम्मी है। डायबिटीज़ वाले मरीज ऐसे खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको है वो भी अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर सकते हैं। ये पूरा रॉ वीडियो होगा, अनकट होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता चलेगा कि मैं कैसे खाना खाता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी मैंने जानबूझ के इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप किया है और इसको ठीक करके भी दिखाएंगे, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन का खिलाड़ी बन चुका हूं। अभी पहले कुछ भी नहीं मालूम था। पहले फूड कैसे कंबाइन करते हैं कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब फूड कॉम्बिनेशन हमें आ गया है, ठीक है। तो लाइफ अपनी बहुत अच्छी कट रही है। मैं तो बहुत ये बोलता हूँ कि जब मेरे को डायग्नोसिस हुआ था डायबिटीज़ का, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी, क्योंकि अगर मुझे डायबिटीज़ नहीं होता तो ये सारा चीज़ ना तो मैं सीख पाता और ना ही आप लोग को सिखा पाता। और जो हम काम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है और नहीं कर सकता,
क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, जो हर कोई नहीं कर सकता। बहुत लोग ये कहते हैं खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, मिथ। ये सरासर मिथ है और कुछ नहीं है। देखिए पानी है आपके सामने, पी रहा हूं। आपको पानी कब पीना चाहिए? जब आपको प्यास लगे, जब आपकी बॉडी डिमांड करे। जैसे मैंने खाया, अब मेरा गला सूख रहा था तो मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, नहीं तो गले से नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो अगर आपको पानी की ज़रूरत है, बॉडी डिमांड कर रही है, पानी पीजिए। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खाना खाते समय नहीं पीना है पानी। ये सब नियम को चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादा नियम फॉलो करने से ही डायबिटीज होता है। अंडे से बहुत लोग घबराते हैं कि योक नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। मैं 6 साल से रोज अंडा खाता हूँ, या तो मॉर्निंग में, या दोपहर में, या रात को 4 अंडे खाता ही खाता हूँ, 4 नहीं तो 3 तो खाता ही हूँ। डिपेंड करता है मेरी भूख के ऊपर। और जो लोग भी डायबिटीज़ के मरीज़ है, उनको लगता है रोटी चावल बिल्कुल नहीं खाना, ऐसा नहीं है। हम डायफिट डाइट में यही सिखाते हैं कि आप रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, और उसके बाद भी आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग खुद से नहीं कर पा रहे, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, मेरे डाइटिशियन को फ़ोन करिए, कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करिए। और अगर खुद से कर सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है। मेरा सारा वीडियोस देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब बहुत लोग कहते हैं सलाद पहले खाना चाहिए। अरे क्यों खाए सलाद पहले भाई? इतना अच्छा खाना जब बना हुआ है तो सलाद से क्यों मैं पेट भरूं, है ना? सलाद में साथ में खाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा सलाद खाना खराब है, सलाद से पेट नहीं भरना है, सलाद को एंजॉय करके खाना है साथ में। हाँ, देख रहे क्या क्या करना पड़ता है। एक डॉक्टर होके ये सब कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा। कमेंट में बताना कि कोई डॉक्टर ऐसे आपको बताएगा कि नहीं। कोई नहीं बताता, कोई नहीं दिखाएगा आपको। उनको आएगा भी तो भी नहीं दिखाएगा, वो आपको कुछ और बोलेगा। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को फटाफट से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये देखिए, ये पूरा खाली कर दिया, देख लीजिए। ठीक है, सब ख़त्म कर देंगे और 3-4 घंटे मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगा। आहा, मज़ा आ गया। मैंने नहीं बनाया खाना, मेरी वाइफ बना के जाती है, मेरे वाइफ ने बनाया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आएगा। सलाद भी खाना ज़रूरी है, इसमें फाइबर मिलता है, पानी है इसमें और कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और फाइबर सब मिला के जब खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। चावल भी खा सकते हैं आप, ठीक है। और यही चावल खा के दिखाया है। बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि सर खा के बताइए।
तो ये बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो नहीं है, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी दिखाया है खा के, आज फिर बना लिया। बहुत ही यम्मी, हाँ हाँ मज़ा आ गया। और इसको खाएंगे ना 3-4 घंटे तो आपको भूख लगना ही नहीं हो। यही सबसे खास बात है डायफिट डाइट का, आप सब कुछ खा सकते हैं अपने तरीके से खा सकते हैं, बस आपको सीखना है कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। तो डायफिट डाइट क्या है, 26% ऑफ योर टोटल कैलोरीज एक दिन का वो आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है। और जो रिमेनिंग कैलोरीज होंगे वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। मज़ा आ गया भाई, कोलेस्ट्रॉल से घबराइए मत, कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, अंडे का योग से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। बहुत लोग कहते हैं ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ मैं, जितनी ज़रूरत है उतनी खा रहा हूँ। आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ना कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। तो मैं प्रोटीन ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ और आपको भी ज़्यादा खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मज़ा आ गया। सब प्लेट खाली, ये भी खाली, ये भी खाली और ये भी खाली। ये है डायफिट डाइट का भोजन, ये है मेरा भोजन और इसी तरह से मेरे हर रोज़ का खाना रहता है, ठीक है, सिमिलर रहता है। कभी चिकन हो जाता है, कभी मटन, आज चिकन नहीं था, मटन नहीं था, तो हमने प्रोटीन सोर्स जो है वो हमने सोया चाप से ले लिया और अंडे से ले लिया, ठीक है। कई बार चिकन खाने का मन नहीं करता है, तो आज मन नहीं था तो इसलिए आज चिकन नहीं खाया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा पानी भी पी सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को खाना है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।